हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बीएम होता है बिटुमिनस मैकेडम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिसका आप देख रहे हो सामने, अभी बीएम वर्क चल रहा है। ये मेरा 5.5 मीटर विड्थ का रोड है, सो हाफ पोर्शन में बीएम हो चुका है और हाफ पोर्शन में भी बीएम का काम प्रोग्रेस में। सो आज की स्टूडियो में जैसे कि हम लोग बीएम करते हैं तो लूज़ थिकनेस कितनी देखते हैं, लूज़ देने के बाद कॉम्पैक्ट कितना होना चाहिए। जैसे कि हमारा कॉम्पैक्टेड है यहाँ 50 mm, तो उसके लूज़ कितना देंगे, 71 mm। तो उस लूज़ थिकनेस को या फिर कॉम्पैक्टेड थिकनेस को चेक कैसे करेंगे, तो चेक कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग एक डेप्थ मेजरिंग गेज आती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उस गेज को रीड करेंगे कि आखिर उसको हम लोग चेक कैसे करते हैं। ओके, अभी मैं आपको अपना गेज दिखाता हूँ। तो ये हमारा डेप्थ मेजरिंग गेज है और ये आप देखो, ये 32 इंच का है। ये आप सामने देख रहे हो, ये 32 इंच का है और ये सामने आप देख रहे हो, ये एमएम में है और दूसरी तरफ इंच में है। मैं आपको क्लियर अभी दिखाता हूँ, वन सेकेंड। ये देखो आप सामने 32 इंच लिखा हुआ है और ये इधर एमएम में है, ये 300 mm है। ये लास्ट तक देखो आप, ये यहाँ तक देखो आप, ये 300 mm का है। ओके, सो ये मेरा गेज है और आप देखो इधर है, ये 71 mm पे, ये देखो आप 70 mm पे ये सेट है। ये अभी देखो सेमेंट थोड़ा सा कम है, इसको ठीक करें क्योंकि ये मूवेबल होता है। यहाँ से अगर आप इसे लूज करोगे, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो ये मूवेबल होता है, इसको आप मूव करके डिज़ायर डेप्थ चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये देखो मूवेबल होता है और ये बोथ रीडिंग में होता है, एमएम और इंच में भी होता है। ये देखो आप इसे मूव करके जहाँ जो आपकी लूज थिकनेस हो उस पर ले जा सकते हैं और फिर उसे मूव करके ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, सो ये डेप्थ मेजरिंग गेज होता है जिसको हम लोग बीएम बीसी एचडीबीसी मेजर में हम लोग यूज करते हैं। और इससे क्या होता है कि हम एक्यूरेट थिकनेस को देख लेते हैं, एक्यूरेट थिकनेस हमें कितनी देनी है ताकि इससे हमारा वेस्ट ना हो। इससे हमारा जो, क्योंकि बीएम क्वांटिटी कॉस्टली होती है, तो इससे हमारा वेस्ट ना, और इसको हम लोग बीच बीच में देखते रहते हैं। ये आप देखो जैसे कि हमने भी सेट कर दिया और ये भी सेट कर दिया, ये देखो ये इसको 70 पे सेट कर दिया और इसको हम लोग ऐसे चेक करेंगे। ये देखो 70 है हमारा, ठीक है। और सामने जैसे कॉम्पैक्टेड चेक करना हो, इधर देखो रोलिंग हो चुकी है, तो इसको कॉम्पैक्टेड को हम लोग देखेंगे, इसके कॉम्पैक्टेड को हम लोग देखेंगे फिर से। इसको हमने 50 mm कॉम्पैक्टेड को थोड़ा सा प्लस ही लेकर के चल और इसको देखेंगे हम। ये देखो ये हमारा अभी ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हमने डेप्थ मेजरिंग गेज के बारे में डिस्कस किया। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।